नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरटीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। थाना हाईवे के रहने वाला प्रीत आया एसएसपी के द्वार, लगाई न्याय की फरियाद। प्रीत नितिन विहार मंडी समिति के समीप का रहने वाला है। प्रीत को दबंग किस्म के लोगों से जान का खतरा है। थाना हाईवे पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। आरटीएस समाचार ब्यूरो चीफ कृष्णा गुप्ता। मैंने जाकिर मिस्त्री, नदीम मिस्त्री और सगीर, इन तीनों भाइयों के बीच में मैंने गाड़ी दी। उसके बाद इन्होंने मुझे गाड़ी का रोज छुट्टियाँ बनाया, आज दे देंगे, कल दे देंगे। इन्होंने मुझे अभी तक गाड़ी नहीं दी। मैं गया तो इन्होंने मुझे धमकी दी, मैं 12,000 भी दे आया, इन्होंने मुझे धमकी मारने की भी दी। क्या चाहते हो एसएसपी साहब? हैं जी, एसएसपी साहब के पास आए हो, क्या चाहते हो? एसएसपी साहब के पास आए थे हम, उन्होंने थाने के लिए भेजा, सतोए थाने के लिए। उन्होंने जाँच करी, इस वक्त वो थे योगेश नागर जी के पास भी गया था मैं। योगेश नागर जी बोले कि आप कोर्ट चले आइए, कोर्ट से मुकदमा दायर करिए। क्या चाहते हो आप? मुझे ये चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। एसएसपी साहब से मिले? हाँ जी, मिल लिया मैं। क्या कहा? इन्होंने ही मिलवाया था वकील साहब ने, उन्होंने लिख के दे दिया। अब मेरे भाई को उस गाड़ी के गम में ही पूरा मैं लकुआ मार गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर आबिद है। रहने वाले कहाँ के हो? वो मंडी चौराया, नितिन विहार कॉलोनी। तो ये पीड़ित है जो कि अपने अधिवक्ता के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह यादव जी से की एक भेंट इन्होंने, और इनका जो प्रकरण है बड़ा ही गंभीर है। और हम बता दें अपने दर्शकों को कि थाना हाईवे पुलिस मूक बगिर है, नहीं कर रही है कोई भी इनकी कार्रवाई। अब देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है प्रशासनिक गलियारों में इसी तरह से अपनी फरियाद लगाता रहेगा या फिर इसको मिल पाएगा इंसाफ। न्याय की लगाई है मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इन्होंने गुहार। मथुरा से आरपीएस समाचार ब्यूरो रिपोर्ट, कृष्णा गुप्ता। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।